आज मैं आप लोग को लेके चलने वाली हूँ एक ऐसी खूबसूरत सी जगह पे जहाँ बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग जयपुर सीरीज। और आज हम आ गए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह में जिसका नाम है अमेर फोर्ट, और इसे अमर फोर्ट भी कहा जाता है। अमेर फोर्ट की हिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है और बहुत सारी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलने वाली है, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो यहाँ हम ये है बाहर का जो आउटर पोर्शन है वो, और ये फर्स्ट गेट है जहाँ से एंट्री होती है। यहाँ से आपको एक गार्डन, एक बगीचा दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ से आपको ऊपर जो हिल में फोर्ट बना हुआ है उसका खूबसूरत सा नज़ारा दिखेगा। देखिए तो थिंग इज इस फोर्ट की जो बनने की शुरुआत होती है ना, जो नींव रखी गई थी वो 1592 में रखी गई थी राजा मानसिंह के द्वारा, और उसके बाद इस उनके जो वंशज थे उनने इन फोर्ट को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू देम। सो जैसे ही हम अलग अलग गेट है और इस गेट से हम यहाँ पे भी चल के ऊपर आना था और थोड़े स्टेयर्स थे, और मैंने पूरा इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि आपको पता है इसी दिन हम और दो तीन फोर्ट गए थे, वो लास्ट वीडियो मैंने डाल दिया, आप मेरे अकाउंट में जाके चेक कर लेना। सो ये था सबसे बड़ा गेट एंटर होने का यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिले थे अंकल जो बेच रहे थे शिकंजी, तो आपको पता ही है हाइड्रेशन की कितनी ज़रूरत होती है ट्रैवल करते टाइम। सो हर गेट के बाहर यहाँ पे आपको एक फोक सॉन्ग गाने वाले मिलेंगे, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो होता है ट्रेडिशनल आइटम्स वो बेचने वाले मिलेंगे, और ऐसे ठंडा वंडा कुछ बेचने वाले मिलेंगे। सो ये देखिए आपको ऐसे अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। जो आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं एंट्रेंस, ये मेन फोर्ट में जाने का मेन गेट है, और यहाँ पे दो गेट है, एक ये फ्रंट वाला है और एक बैक वाला जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, एंड मैं आपको अंदर से भी पूरा दिखाऊंगी। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है और इसका नाम रखा गया है सूरज पोल, पोल यानी कि पिलर, एंड सूरज की पहली किरण इस गेट पे पड़ती है इसलिए इसका नाम रखा गया है सूरज पोल। इसी तरीके से जो दूसरा गेट है उसका नाम चांद पोल रखा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। सो आप देख सकते हैं कि ये जो है इतना बड़ा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं ये गेट कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ये जो सूरज पोल बनाया गया है आप देख सकते हैं, मैंने जूम इन करके दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये जो आपको खाली एरिया दिख रहा है, इसे परेड स्थल कहा जाता था, यहाँ पे जो सैनिकों की परेड होती थी इस पे, इतना बड़ा इसलिए आपको ये एरिया दिख रहा है। और यहाँ पे अंदर पे भी बहुत सारे शॉप्स थे छोटे छोटे जहाँ आप डिफरेंट आइटम परचेज कर सकते थे। सो बेसिकली जो मैंने लास्ट वीडियो में जैगर फोर्ट दिखाया था, वो जैगर फोर्ट सिर्फ सैनिकों के रहने के लिए बनाया गया था, वहाँ पे सिर्फ सोल्जर्स हुआ करते थे इनके, और ये जो फोर्ट बनाया है यहाँ पे सिर्फ रॉयल फैमिली रहती थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अंदर। सो अब आ गए हम दूसरे आंगन में, पहला आंगन जो नीचे परेड वाला था वो मैंने दिखाया था, और ये दूसरा आंगन है, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसे कहा जाता था दीवाने आम यानी कि पब्लिक ऑडियंस हॉल, यहाँ राजा बैठ के जो आम जनता होती थी उनके सारी समस्या का हल किया करते थे। एंड इस बिल्डिंग में आप जो इतनी खूबसूरत ये कलरफुल कारीगरी देख रहे हैं इसे फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा जाता है, जो 300 साल पुरानी है, और सिर्फ वेजिटेबल्स का और वेजिटेबल्स ऑयल का यूज़ करके ये पेंटिंग बनाई गई है। ये वॉल इसमें जो पेंटिंग बनाई गई है, और ये हम आ गए हैं दूसरे महल में जिसे कहा जाता है शीश महल, और इस महल में जो सारी चीज़ें हैं ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये शीशों का यानी कि ग्लास का उपयोग करके बनाया गया है, इसे इसलिए शीश महल कहा जाता है। और उस टाइम में जो
बोलते थे ऐसे कहा जाता है स्टोरी में कि उस टाइम में सिर्फ जो ग्लास सप्लाई करने वाला देश होता था वो होता था बेल्जियम। तो जितनी भी यहाँ पे आप शीश देख रहे हैं, आई मीन जितने भी यहाँ पे कांच देख रहे हैं ना, आपके सारे बेल्जियम से मंगाए थे राजा ने। उसके बाद यहाँ उनके जो लोकल कारीगर होते हैं उन्होंने इसे पूरा ऐसे आर्किटेक्ट में अरेंज किया था। गार्डन देख रहे हैं मेरे पीछे जहाँ मैं वॉक कर रही हूँ, इस गार्डन को अलग अलग, इसमें अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स दिए गए हैं और उस तरीके से इस गार्डन को बनाया गया है। और अब हम यहाँ से निकल के आगे जा रहे थे तो हमें ये दिखा खूबसूरत सा पपेट शो, तो आप भी इंजॉय कर लीजिए। खाना बनाया जाता था और ये बड़े बड़े वेसल जो देख रहे हैं आप, मैं बता दूँ ये उस टाइम की नहीं है जब जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी, तो शूटिंग के लिए स्पेशली इन कढ़ाई को बनाया गया था। मैं आप स्क्रीनशॉट देखूँगी डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। सो इधर भी आप देख सकते हैं कि ये पपेट वगैरह जो है ये सेल कर रहे हैं और ये छोटे छोटे से लोकल आर्टिस्ट वो सुपर्ब। जो ओल्ड जयपुर है, ओल्ड अमीर है, वहाँ की बहुत ही पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स दिखेगी और बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। और ये जो आप येलो येलो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये पुस्तैनिक घर है और कहा जाता है कि ये उस टाइम से है जब ये फोर्ट बना भी नहीं था। तो यहाँ जो कुछ है उनके ओनर्स, उनके जो पूर्वज है वो उनके द्वारा बनाया गया था, वो यहाँ कुछ लोग रहते हैं उसे रिपेयर कर करके और कुछ लोग जो है वो चले गए उसे ऐसा ही छोड़ के। तो अब हम आ गए हैं एग्जिट पे, एग्जिट वाला जो पोल है उसे चांद पोल कहा जाता है, जिसका फ्रंट हमने बताया था आपको जिसे सूरज पोल कहा जाता है। सो हम ये आ गए हैं एग्जिट डोर पे, ये देखिए ये वाला जो पोल है इसे चांद पोल कहा जाता है और ये नीचे निकलता है एक मार्केट में, उस मार्केट का नाम भी चांद पोल है। सो यहाँ हम आ गए बाहर और ये अमेर का था छोटा सा टूर, जो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड हाँ, जयपुर सीरीज़ में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं, आप प्लीज़ मेरे प्रोफाइल में एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग स्टोरी आपको जानने मिलेगी, बहुत अच्छा लगता है जान के। सो आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय बाय।